दोस्तों नमस्कार। आज हम ले चलते हैं आपको दोस्तों दो टीमों के बीच जो महामुकाबला होने वाला है, सिडनी ग्रीन वर्सेस दोस्तों सिडनी पिंक के बीच महामुकाबला होने वाला है, वो भी दोपहर 1:45 PM को ये मैच शुरू होने वाला है। मेगा कर दिया 13 करोड़ रुपए। आप दोस्तों हार हार कर बिल्कुल परेशान हो गए। आज आपको दोस्तों अब ड्रीम इलेवन में एंट्री करने का मन नहीं लगता, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों आपको करना क्या होगा, दोस्तों आपको वीडियो को एकाग्रचित होकर देखना होगा और दोस्तों आपको क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप आज आप मात्र 24 रुपए के एंट्री के साथ जा सकते हैं और करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट विजेता को 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप देरी मत कीजिएगा, दोस्तों आ जाइए। और दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों एक बार दोस्तों हनुमान जी का दर्शन करना है और दोस्तों वीडियो को लाइक करना या ना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना कोई बात नहीं दोस्तों, परंतु दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख देना, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपकी रैंक जो खराब आती है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, दोस्तों ईश्वर के बिना आपका एक पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि कहा गया है दोस्तों वो ही सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे साखा। आप चाहे जितना जो कुछ कर ले, परंतु जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, ईश्वर को आप चाहोगे नहीं तो ईश्वर भी आपको चाहने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोगों को फटाफट दोस्तों दर्शन करने हैं और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली लिख करके आज हम आपको दोस्तों ज्योतिष विद्या के द्वारा बताने वाले हैं आपको किन किन खिलाड़ियों को लेकर चलना है और दोस्तों किसको विकेट कीपर बनाना है, कितने विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने बैट्समैन लेकर चलना है, आखिर किस किस को चुनना है, कितने ऑलराउंडर लेकर चलना है, कितने बॉलर लेकर चलना है, सब कुछ आपको हम बारीकी से बताएंगे। आज किन खिलाड़ियों का शुभ योग बन रहा है, किन खिलाड़ियों को अशुभ योग बन रहा है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार दोस्तों प्रेम से श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली का उद्घोष करके कमेंट बॉक्स में लिख दे जय बजरंगबली बाबा की जय। और चलते हैं ज्योतिष विद्या के द्वारा हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों यहां पर आपको विकेट कीपर कितने लेकर के चलने हैं, तो यहां विकेट कीपर की बात करते हैं। तो विकेट कीपर में आपको दोस्तों 2 और 1 का योग बहुत ही शुभ चल रहा है, 2 और 1 का आंका आपके लिए बेहद ही शुभ है। तो 2 या 1 विकेट कीपर अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो आज आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर 3 विकेट कीपर लेकर के चल रहे हैं तो दोस्तों आज आपकी घंटी बजने वाली है। तो आपको करना क्या होगा, आपको हम बता दें 1 या 2 विकेट कीपर के साथ आज जा सकते हैं। अगर 2-3 विकेट कीपर के साथ जाए तो वो भी दोस्तों आज आपके लिए अशुभ योग है। तो कदापि 2 या 3 विकेट कीपर नहीं, 1 या 2 विकेट का आंकड़ा जो है आपके लिए बेहद शुभ है। अब बात आती है दोस्तों यहां पर बैट्समैन की, आपको बैट्समैन कितने लेना है। तो दोस्तों विकेट कीपर भी एक बैट्समैन होता है, उसको प्लस करने के बाद आपका जो शुभ आंकड़ा है दोस्तों क्या बन रहा है, 3 और 2 का आंकड़ा आपके लिए बेहद अशुभ है। दोस्तों यहां पर 3 और 1 का आंकड़ा भी बेहद अशुभ है, तो आपको करना क्या है, 3 और 4 का आंकड़ा भी बेहद अशुभ है। तो आपको क्या है दोस्तों, 4 या 5 का आंकड़ा आपके लिए बेहद ही शुभ दिखाई देता नजर आता है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो बैट्समैन की बात करते हैं तो आपका दोस्तों 4 या 5 का आंकड़ा जो है बेहद ही शुभ है। तो दोस्तों आप 4 या 5 बैट्समैन को लेकर के चलते हैं और जिसमें अगर दोस्तों यहां पर आपका हा नाम का बैट्समैन है तो बेहद ही शुभ है, और हा के साथ सा और रा और वा नाम का बैट्समैन भी आज आपके लिए शुभ योग बना रहा है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट जाइएगा और इन नाम के बैट्समैन को बिल्कुल देखिएगा, अगर इस नाम के बैट्समैन आपके सामने आ रहे हैं तो फटाफट इनको ले लीजिएगा। आप कोई भी सोच और विचार के चक्कर में मत पड़िएगा। दोस्तों आज आप लाखों रुपए अगर कमाने हैं तो कुछ ना कुछ करना होगा। अब बात आती है दोस्तों यहां पर ऑलराउंडर की, आपको ऑलराउंडर कितने लेना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि ऑलराउंडर सेक्शन में आपको कितने जाने हैं। दोस्तों यहां पर आपको ऑलराउंडर में 1 या 2 का आंकड़ा बेहद ही अशुभ है। दोस्तों अगर आप 1 या 2 ऑलराउंडर लेकर के चलते हैं तो दोस्तों आज आपकी बत्ती बुझने वाली है और घंटी बजने वाली है। दोस्तों विपक्षी टीम आपको हावी होने वाली है, तो आपको करना क्या है, यहां पर 2-3 का आंकड़ा जो है दोस्तों आपके लिए शुभ है। और जहां अगर रा नाम का ऑलराउंडर आपको मिल जाए दोस्तों बेखबर से ले लेना, बेहिचक ले लेना, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना। अगर रा नाम का ऑलराउंडर आपके पास मिल रहा है तो बिल्कुल हिचक से लेना, ले लेना, क्योंकि रा दोस्तों तुला राशि का जातक होता है और आज शनि है और
शनि और तुला की बहुत अच्छी पड़ती है, जिससे दोस्तों आज उसका शुभ योग बन रहा है। तो दोस्तों रा नाम का दोस्तों अगर ऑलराउंडर मिल जाए तो आप बिल्कुल ले लेना। अब बात आती है दोस्तों यहां पर बॉलर कितने लेने हैं। बॉलर के लिए दोस्तों 3 और 4 का आंकड़ा आपके लिए शुभ है। जहां स नाम का बॉलर अगर आपको मिल जाता है तो आप बिल्कुल ले लेना, क्योंकि स नाम दोस्तों कुंभ राशि का जातक होता है और राक्षस प्रवृत्ति होती है और शनि की छाया होती है, और आज शनिवार है, शनि की दोस्तों जिस पर छाया हो गए दोस्तों मालामाल हो सकता है। तो दोस्तों आज आप स नाम के दोस्तों बॉलर को जरूर ले लेना। आज दोस्तों शनिवार है और दोस्तों आप अगर स नाम के बॉलर को लेते तो आपकी आज बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, तो पूरी तरह से हम ज्योतिष विद्या के द्वारा आपको हम बता चुके हैं आपको क्या क्या करना है, परंतु दोस्तों एक बार प्रेम से दोस्तों एक बार जरूर उद्घोष करना, एक बार दर्शन करना है और जय बजरंग बली का नाम लेना है। इसके बाद दोस्तों हम क्या बताने वाले हैं, मैच के आंकड़े बताने वाले हैं, मैच कहां होने वाला है, मैच का वेन्यू क्या है, कौन से बॉलर को फायदा होने वाला है, स्पिनर को या पेसर्स को, मैच का स्थान क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है दोस्तों, मौसम में क्या होने वाला है, सब कुछ बताने वाले। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिख देना है। और चलिए चलते हैं दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से आपको हम जानकारी देते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को हम बता रहे हैं दोस्तों यहां पर भी दोस्तों फर्स्ट विजेता को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए दोस्तों 1 करोड़ रुपए, सेकंड को 18, थर्ड को 7, चौथे को 3 और पांचवी को 2 लाख रुपए मिलने वाले। तो फिर देरी किस बात की दोस्तों, मैच का विनिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, मैच कहां होने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाले। देखिए पिच दोस्तों बॉलिंग पिच बताई जा रही है, आदर बॉलिंग स्टाइल तेज, वो भी दोस्तों तेज बॉलिंग स्टाइल पार्टनर को मतलब औसत इसको 114 रन का है दोस्तों। और मैच का स्थान कहां है, मैच का स्थान सिडनी से ग्राउंड स्टेडियम सिडनी पर ये मैच होने वाला है। अब आंकड़े की बात करते हैं, मैच के आंकड़े की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं टीएचयू दोस्तों 5 मैचों में मात्र 1 मैच विन किया है, वहां सिडनी पिंक दोस्तों 5 मैचों में 3 मैच विन किया। तो सिडनी पिंक का यहां पल्ला थोड़ा भारी दिखाई देता नजर आता है दोस्तों, सिडनी पिंक के तरफ ज्यादा पॉइंट होते दिखाई देते। और भी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की, ग्राउंड के आंकड़े की बात करते हैं, तो यहां पर ग्राउंड के आंकड़े की बात करते हैं तो पिच बॉलिंग है दोस्तों, यहां पर बेहतरीन पेसर्स को मदद मिल सकती है, मौसम में बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, औसत रन 114 है, कुल विकेट 52 गिरे, जहां 42 दोस्तों पेसर्स को मिले और स्पिनर को मात्र 10 विकेट मिले हैं। अगर इसलिए आज देखें तो स्पिनर का यहां कोई बोलबाला नहीं होने वाला, यहां पेसर्स या फास्टर का बोलबाला होने वाला है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 11 मैच खेले गए, जिसमें टीएचयू ने 3 मैच जीता और सिक्स ने दोस्तों 7 मैच जीता, इसलिए इस लिहाज से भी देखते हैं तो सिक्स का पल्ला थोड़ा भारी दिखाई देता नजर आता है, अर्थात 7-3 रेशियो है, जहां 70% जो तो 6 के विन करने की चांस है, वहां 30% टीएचयू को विन करने की चांस है। आओ चलते हैं, देरी ना करते हम लोग बनाते हैं दोस्तों एक बेस्ट टीम। तो दोस्तों हम 2 प्रकार से आपको टीम देने वाले हैं, एक टीम होगी हमारी वी आर सेफ, जो दोस्तों जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, केवल जितने रुपए से एंट्री करना चाहते हैं उसी के इर्द गिर्द कमाना चाहते हो सेफ जोन पर जा सकते हैं, और जो लोग दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए की विन करना चाहते हैं वो रिस्क ले, और जीवन में जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में जो लोगों ने रिस्क लिया है, क्योंकि दोस्तों रिस्क लेने के अधिकारी नहीं, वो रिस्क करने के भी अधिकारी नहीं है दोस्तों, रिस्क से ही दोस्तों सब कुछ हो सकता है। तो अब चलते हैं दोस्तों, एक बार रिस्क लेते हैं हम लोग सी बैनक्रॉफ्ट को लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर हम लोग लेते हैं क्या, जेविंस को लेते हैं, जेविंस के बाद ए हेल्स को लेते हैं, ओ डेविस को ले लेते हैं, ओ डेविस के बाद जेसिल को लेकर के ऑलराउंडर सेक्शन में जाते हैं, डी सैम्स को ले लेते हैं और एम हेनरिक्स को लेकर के टीम को और आगे बढ़ा जाते हैं। यहाँ पिच दोस्तों बैटिंग पिच नहीं बॉलिंग पिच है, तो हमें 4 बॉलर लेना बहुत ही लाजमी हो जाता है। एस अबाट को ले लेते हैं, दौरनी सीएम को ले लेते हैं और जमान खान को ले लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों यहां पर हम जी संधु है, टी संग है दोस्तों, यहां पर दोस्तों टी संग या जी संधु में एक ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं टी संग को ले लेते हैं, आगे बढ़ते। अब बात आती है कप्तान को कप्तान बनाने की, क्योंकि कप्तान को कप्तान बनाना बहुत बड़ी खीर होती है, क्योंकि कप्तान का 1 अंक डबल हो जाता है, वही वाइस कैप्टन का 1 अंक दोस्तों 1.5 गुना हो जाता है। तो आओ चलते बनाते कप्तान को कप्तान, दो सी बैनक्रॉफ्ट को हम कप्तान बनाते, वहीं पर ऑलराउंडर दोस्तों डी सैम्स को हम वाइस कैप्टन बनाकर टीम को सेव कर देते हैं।
ये हमारी सेफ टीम रही। अब दूसरी टीम की तरफ जाते हैं जो बेहद ही रिस्की हो सकती है, जे फ्लिप को लेते हैं। जे फ्लिप के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एराज को ले लेते हैं, एराज के बाद डिहूजेस को लेते हैं, डिहूजेस के बाद दोस्तों यहां पर दोस्तों जेविंस और दोस्तों यहां पर ओ डेविस को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर हम कैमरून ग्रीन को लेते हैं, सी ग्रीन को लेते हैं और इसके बाद दोस्तों जे एडवर्ड्स को लेते हैं, जे एडवर्ड्स के बाद दोस्तों डी सैम्स को लेते हैं और इस बार जमान जे बर्ड को ले लेते हैं दोस्तों। यहां पर टी संघ को लेते हैं, टी संघ के बाद दोस्तों यहां पर एस एवार्ड को ले लेते, आगे बढ़ जाते दोस्तों। अब बात आती है फिर से कप्तान और कप्तान बनाने की, तो यहां पर हम डी सैम्स को कप्तान बनाते हैं और जे एडवर्ड्स दोस्तों यहां पर जे एडवर्ड्स को हम वाइस कैप्टन के रूप में देखना चाहते हैं। परंतु दोस्तों ये बॉलिंग पिच है तो इस एवार्ड को हम वाइस कैप्टन बनाकर टीम को सेव कर देते हैं। अब दो प्रकार से हमारी टीम बन चुकी, एक है बेहद रिस्की टीम और एक है सेफ टीम। सेफ टीम को आपको हम दिखाने जा रहे हैं, सेफ टीम का कप्तान सी बैनक्रॉफ्ट को बनाया, वाइस कैप्टन सैम्स को बनाया है। वहीं पर दोस्तों हम रिस्की टीम में आप लोगों को दिखाएंगे, रिस्की टीम में भी दोस्तों हम किसको, डी सैम्स को दोस्तों हम कप्तान बनाया है और इस एवार्ड को वाइस कैप्टन बनाया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ये दोस्तों हमारी फाइनल टीम नहीं होती, फाइनल टीम हमारी टॉस होने के 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला। आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि दोस्तों आईपीएल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है मार्च में, तो दोस्तों हम टिक एंड टिप्स की वीडियो भी आपको देने वाले, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और हम दोस्तों पैसा नहीं, फ्री में सब कुछ करते हैं, इसलिए दोस्तों जो पैसा लेते हैं वो केवल पैसे के लिए दोस्तों यहां पर आ रहे हैं। हम लोग पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री आप कार्ड सब कुछ देते हैं, फ्री आप कार्ड दोस्तों आपको टीम देने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल देरी ना कीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लिए। हम आपको पल पल की जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही अच्छी टिक एंड टिप्स की वीडियो देने वाले हैं। तो जय हिंद जय भारत, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।